दोस्तों अभी मैं सभी लोग निकल चुके हैं हरिद्वार से गंगा स्नान शौचालय हो रही है इन्हें करा दो कहीं कराना हो तो भैया अभी अभी जो है गंगा स्नान किया हरिद्वार में, गाड़ी को पार्किंग से निकाला और अभी जा रहे हैं ऋषिकेश। सबसे पहले जाएंगे नीलकंठ महाराज, नीलकंठ बाबा के दर्शन करके उसके बाद ऋषिकेश को देखेंगे। और वीकेंड का संडे का ट्रिप है ये विद फैमिली, तो संडे में ही एक ही दिन में कवर करके हम वापस फिर घर जाना है और कल जाना है फिर ऑफिस। तो अभी में कौन कौन है गाड़ी चला रहे हैं और पीछे बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। एदिक एदिक हाय हेलो, कुछ तो कर ले करो हाय हेलो ऐसे घूमने भी। और अभी मैं ये ऋषिकेश के लिए हमने रूट ले लिया है, अब जो है सीधा ऋषिकेश जाके बीच में अगर कुछ दिखाने वाली चीज रही तो वो दिखा देंगे, वरना सीधा नीलकंठ बाबा के दर्शन कराएंगे। और हो सकता है ये जो है एक सीरीज में वीडियो हो कि वीडियो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सेकंड इस तरीके से, तो सेकंड वीडियो में आपको ऋषिकेश का मिले ऐसा हो सकता है मे बी, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़ पाए इस वजह से। तो अभी मैं सीधा ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश में देखेंगे और वहाँ पर घूमेंगे और नीलकंठ बाबा के दर्शन करेंगे। चलो हम आगे मिलते हैं। दोस्तों अभी में एक अपडेट है कि आज का आज डेट क्या है आज की डेट है 9 तारीख यानी कि संडे का दिन है और 9 अप्रैल की बात है। तो अभी में क्या है कि लक्ष्मण झूला बन रहा है, जो पुराना लक्ष्मण झूला था वो नया बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से राम झूले को भी बंद किया गया है। पहले क्या था कि लक्ष्मण झूले को बंद किया हुआ था, राम झूला चल रहा था, लेकिन अब क्या है कि आज के दिन की बात करूं तो राम झूले को भी बंद किया हुआ है और पूरे ट्रैफिक को जो मूव किया हुआ है वो बद्रीनाथ वाली रोड से किया हुआ है और वहीं से नीलकंठ के लिए जाना पड़ रहा है, और जो काफ़ी थोड़ा लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है। अगर हम बात करें कि नीलकंठ अगर डायरेक्ट जाना हो तो राम झूले और लक्ष्मण झूले को क्रॉस करते हुए आप नीलकंठ डायरेक्ट निकल सकते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अभी में क्या है कि आपको बद्रीनाथ वाली रोड पकड़नी है और वहाँ से जो नीलकंठ के लिए रोड कट जाती है, तो अभी में ये सीन है। और नीलकंठ अगर आप गाड़ी से जाते हैं, अगर आप बाइक से जाते हैं तो आपका कोई पर्ची या कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन अगर आप जाते हैं गाड़ी से फोर व्हीलर से अपने व्हीकल से तो आपको 40 रुपये का परमिट कटाना पड़ता है, 40 रुपये की एक पर्ची कटती है आपकी ऑन रोड ही, आपको कहीं कोई रजिस्ट्रेशन या कहीं फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पर्ची कट जाती है 40 रुपये की। तो 40 रुपये की पर्ची कटने के बाद आप जो है नीलकंठ की आगे की यात्रा अपने फोर व्हीलर से कर सकते हैं और एंट्री फीस के तौर पे उसको माना जाता है। तो अभी मैं अगर ट्रैक की बात करूं, पहले हमें किसी ने बताया था कि बहुत खतरनाक रास्ता है तो आप फोर व्हीलर चला पाओगे या नहीं चला पाओगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बार नीलकंठ गया हूँ तो मैंने बाइक से कवर किया है,
तो मुझे पता था कि रूट इतना खतरनाक नहीं है, फिर भी पता नहीं, मैंने सोचा कि बद्रीनाथ वाला कोई नया रूट तो नहीं है नीलकंठ जाने के लिए, लेकिन वो सेम रास्ता है। और ट्रैक की बात करूँ तो इस तरह का ट्रैक है, कोई ज़्यादा खतरनाक ट्रैक नहीं है, और तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह का रास्ता है, तो आप बड़े आराम से बाइक और अपना फोर व्हीलर चला सकते हैं। लेकिन आज परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है, काफ़ी टाइम लग गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, वीकेंड संडे का दिन है तो हो सकता है कि इस वजह से भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहा है जी। ऐसे ही है ना, ट्रैफिक संडे की वजह से रहा है, संडे की वजह से बहुत ट्रैफिक रहा है, और बच्चों के एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं, तो सभी लोग घूमने आए हुए हैं। ओके, तो अभी मैं बच्चों कैसा लग रहा है घूम के? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एरिक बहुत मजा आ रहा है। चलो अभी मैं जो है हम नीलकंठ पहुंचते हैं, नीलकंठ पहुंचने के बाद देखते हैं कि क्या अपडेट है और दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और अभी सुबह से खाना भी नहीं खाया, तो कहीं पे रुक के खाना भी खाना है, तो वो चीज़ें भी देखेंगे। घर से खाना पैक करा के लाए थे, बनाया था, अभी उसको छुआ भी नहीं है, टाइम ही नहीं मिल पाया, तो अभी देखते हैं। दोस्तों ये है नीलकंठ मार्ग, नीलकंठ महादेव का मंदिर, और ये उसका रास्ता है, ये ट्रैक है जिस पे फोर व्हीलर और बाइक वगैरह जाती हैं, और इस तरह का व्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा सामने जो है, इस तरह का व्यू आपको देखने के लिए पूरा मिलेगा। इस तरह के पहाड़ है, पता नहीं कितने पहाड़ों को क्रॉस करके हम अपनी फोर व्हीलर से यहाँ तक आए हैं, और इस तरह का ये आपको व्यू देखने के लिए यहाँ का मिल जाता है। तो दोस्तों अभी जो है खाना खाने के लिए रुके हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो अभी मैं खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आगे नीलकंठ के दर्शन करेंगे, नीलकंठ बाबा के दर्शन करेंगे। और अभी मैं क्या है कि पानी भी जो है डिग्गी से बिखर गया था, तो पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा पानी भी कहाँ से लें, क्योंकि अभी मैं आसपास कोई दुकान भी नहीं दिख रही है, देखता हूँ कि पीछे कोई दुकान हो तो वहाँ से पानी खरीद के लाता हूँ। तो अभी मैं क्या है कि नीलकंठ जा रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन आज जो है हालत बहुत टाइट हो गई है, हालत बहुत बुरी हो गई है कि गाड़ी चलाने वालों की भी और बैठे रहने वालों की भी। हाँ जी, कैसी हो गई है हालत? बहुत बुरी हालत हो गई है इस टाइम पे। क्या क्या परेशानी आई भैया? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ी चला जा रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो पहली बार आया हूँ और बहुत छोटा रास्ता है मेरे लिए, तो पहली बार जो है तो ऑटो में गाड़ी चला रहा हूँ मैं तो। ओके, तो देखा कि आपने जो ये है, इन्होंने पहली फर्स्ट टाइम इतने कंजेस्टेड रोड पर, रास्ते पर और पहाड़ों में गाड़ी चलाई है, लेकिन बहुत भोलेनाथ की कृपा है कि सब ठीक ठाक हो रहा, हम आए, और शायद जो नीलकंठ बाबा ने हमें बुलाया, जो हम अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आगे क्या होता है, क्या अपडेट होती है, वो आगे वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जब मैं पहली बार वहां गया था शिमला बस से, मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मैं कह रहा हूं मुझे भर्ती करना पड़ेगा। जैसे जैसे कि तुम ना पहली बार आया हो ना शिमला, मान तुम लोग उल्टियां नहीं हो रही हैं ना? नो तो ना हो, उल्टी के चाय घुमा लो इसलिए, और भी मुझे नाउत पे सवार में तो। हाँ भाई, किस किस को चक्कर आ रहा है? एरिक आ रहा है? क्या दिख रही है? बोट दिख रही है, रिवर राफ्टिंग वाली। लायो गोली आपने? हाँ उसमें है।